नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट शागुरिका बैनर्जी और इस वक्त हम मौजूद हैं आपके गुलाबी शहर जयपुर में। सोच रहे होंगे कि भाई हम दंगल के शो में दंगल के रंग दिखाते दिखाते जयपुर नगरी कैसे पहुंचे। भाई जयपुर में तो पहुंचना ही है क्योंकि यहीं से तो शुरुआत होती है हमारे सारे इतिहास की, यानी कि इलेक्शन शोज की। दंगल के रंग में आज दिखाएंगे आपको हम, यानी कि ये शहर कुछ कहता है कि रंग। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं हॉलीडे इन जयपुर, जहाँ पे है सिटी सेंटर पर। और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं पंकज गुप्ता, जो कि हैं जीएम ऑफ हॉलीडे इन जयपुर सिटी सेंटर। हेलो गंत, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। ऑल वेल। पंकज जी, व्हेन वी टॉक अबाउट द सिटी, जब हम गुलाबी शहर की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में ऑब्वियसली एक ही चीज़ आता है, इट्स अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और क्योंकि अभी इलेक्शंस हैं सर पे, और आई एम श्योर जितने भी हमारे विधायक हैं सभी इस तरफ आना चाहते हैं, टूरिस्ट भी हैं वो भी इधर आना चाहते हैं। तो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाई वुड पीपल कम टू हॉलीडे इन जयपुर सिटी सेंटर? सी, इन टर्म्स ऑफ हॉलीडे इन जयपुर सिटी सेंटर, दिस इज द बेस्ट होटल व्हिच इज लोकेटेड इन टू अ सिटी। इस समय यू नो सारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, यदि हवा महल है या फिर अमेर फोर्ट है या जो भी स्पेशल मॉन्यूमेंट्स हैं जो लोग घूमने आते हैं, यहाँ बहुत पास में है, स्टेशन पास में, एयरपोर्ट क्लोज बाय है, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लोज बाय। इन टर्म्स ऑफ जितने भी जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं सब क्लोज बाय हैं, सेंट्रल लोकल होटल है और सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास में। इन टर्म्स ऑफ यू नो वी हैव द जिम, वी हैव स्पा, वी हैव अ पूल, वी हैव अ 3F&B आउटलेट्स एंड द बैंक्वेट स्पेस। सो सब कुछ अवेलेबल है जो नॉर्मली किसको आज के टाइम में चाहिए होता है, वो सब कुछ अवेलेबल वन शॉप पे, सब कुछ अवेलेबल है। एक्चुअली हम ये कह सकते हैं दिस इज वन अम्ब्रेला एंड यू विल गेट एवरीथिंग आउट हियर। जहाँ आपको चाहे यहाँ पर आप बिजनेस टूर के लिए आ रहे हैं, चाहे आप डेफिनेटली इलेक्शन पर्पज के लिए आ रहे हैं, चाहे आप शहर घूमने के लिए आ रहे हैं, सो यू हैव एवरीथिंग अंडर वन रूफ। ऑब्वियसली जब हम यहाँ पे आते हैं, फॉरेनर्स टूरिस्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा रहते ही हैं, तो फॉरेनर्स के लिए एक जो सबसे ज़्यादा बेसिक एमिनिटी रहती है वो यही है कि हम लोग किस तरह से यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो वो आपको उनको बेस्ट टू बेस्ट कैसे पहुँचाए। तो हम व्हेन वी टॉकिंग अबाउट हॉलीडे इन जयपुर, सो व्हाट यू थिंक, व्हाट इज द यूएसपी, व्हाई वुड पीपल स्टिल बी इन द सिटी एंड बी इन द हॉलीडे इन? See, we being a part of an international brand hotel, we are a part of IHG, which is an Intercontinental Hotels Group actually. And Holiday Inn Jaipur is one of the finest hotel of this group. Out of 30-35 hotels of IHG in this, we rank number one out of standards and their policy and process actually. If you look at the social media feedback and the reviews about our hotel, it's fantastic actually. And we do almost 90% occupancy around the year, which is against the benchmark for any of the IHG hotel in India as of now. Absolutely. So now, we are a 172 rooms hotel, adding another 28 rooms, going to be a 200 room hotel. आप देखेंगे जब नेक्स्ट जब मार्च आ जाएगा, हम 200 रूम के पूरे होटल हो जाएंगे। सो वी कैन कैटर एज मच एज द बिगेस्ट वेडिंग इन इंडिया गोइंग टू बी। एंड जयपुर शादी करना चाहता है, जब कुछ घर में शादी होनी है, कुछ होना है, सबसे पहले दिमाग में राजस्थान आता है और जयपुर आता है। द रीज़न क्योंकि यहाँ की कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट है, रोड्स आर वेरी गुड एक्चुअली, इट्स एंड वी हैव इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सो यू कैन सी लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग एक्चुअली। सो बेसिकली दिस इज वन प्रॉपर्टी जहाँ पे, जैसे कि आपने कहा, हार्ट इन सिटी ऑफ ऑब्वियसली है ही है, साथ ही साथ यहाँ पे यंग जनरेशन, यंग क्राउड को भी बहुत ज्यादा पुल इन करता है। Absolutely. क्योंकि ऑब्वियसली आपको अगर बेसिक एमिनिटीज मिली रही हैं और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट द कनेक्टिविटी, जस्ट द वे यू सेड इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेडिंग डेस्टिनेशन, दिस इज वन पॉट। लेकिन इसके अलावा भी ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू सी द होटल एज इन टोटैलिटी। सो आई जस्ट वांट टू इंटरप्टिंग यू एक्चुअली, जब आप सिटी सेंटर होटल की बात करते हैं, किसी भी होटल में जयपुर में इतना बड़ा जगह नहीं है जहाँ पे वो शादी कर सकें, ओपन लॉन नहीं है। वी आर द ओनली होटल हैज सच अ बिग लॉन एंड द बेस्ट पार्ट इट्स वी हैव अ सेपरेट एंट्री आल्सो फॉर दैट लॉन एंड इन फ्रॉम द होटल आल्सो, सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन आई कैन से फॉर समवन टू अ बिग लार्ज वेडिंग, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू डू इट। चलिए इसी के साथ अर्श पर हम लोग एक बार थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि एक जस्ट ओके, हम देखते हैं कि अगर आप अगर यहाँ पे आते भी हैं और आने के बाद अगर आप किसी भी होटल में फॉर दैट मैटर पूल एरिया अगर आप चेकआउट ना करें, इट्स कंप्लीट मेस रह जाता है। एंड आई डोंट वांट कि मेरे ये शहर कुछ कहता है, यानी कि दंगल के रंग में ये एक भंग रह जाए। तो लेकर चलते हैं आपको पूल साइड एरिया। गुलाबी नगरी तो है, लेकिन हाँ सूर्य देव भी हमारे पे मेहरबान है जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो इसलिए पूल एरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एनी होटल फॉर दैट मैटर। एंड पंकज जी, जैसे कि आप कह ही रहे थे कि दिस प्रॉपर्टी इज मोर फॉर दी आपका वेडिंग डेस्टिनेशंस के लिए एंड डेफिनेटली F&B के लिए, तो पूल में भी आई एम श्योर इसके लिए भी लोग खींचे हुए आते होंगे यहाँ पर।
बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, यू नो आप जयपुर में क्या है कि आपके दो सीज़न होते हैं, एक गर्मी का होता है, सर्दी का होता है। जहाँ गर्मी की बात आती है तो पूल बहुत ज़रूरी है किसी भी होटल के लिए, और जब तक पूल में लोग नहीं आते यू नो तो उनको लगता है कि नहीं हमने पूरा एक हमारा जो टूर मतलब घूमने आए थे वो पूरा नहीं हो पाया। तो पूल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम को पूरा हम यहाँ पर लाइव बार लगा देते हैं एक्चुअली में, विच वी सर्व लॉट ऑफ स्नैक्स एंड लॉट ऑफ ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग। एंड बिसाइज दैट यू नो वी हैव 4 F&B आउटलेट एक्चुअली। जब यहाँ लोग घूमने आते हैं, खाने भी आते हैं, तो उनके जो 4 F&B आउटलेट हैं, वो हमारा चाइनीज रेस्टोरेंट है विच इज़ दी जयपुर वन ऑफ द बेस्ट चाइनीज रेस्टोरेंट। वी हैव गॉट लॉट ऑफ अवार्ड्स फ्रॉम चाइनीज रेस्टोरेंट। देन वी हैव गॉट मोनार्क विच ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, जहाँ पे हम राजस्थानी खाना भी सर्व करते हैं और वर्ल्ड कुजिन भी सर्व करते हैं। देन वी हैव यू नो कॉल रोड हाउस, वेयर वो यंगस्टर्स के लिए है, जहाँ पे रात को डीजे बजता है और यू नो पीपल एंजॉय करते हैं। पिज़्ज़ा पास्ता वन ऑफ द बेस्ट प्लेस एक्चुअली, एंड रोड हाउस वन ऑफ द यू नो आई टू से सिग्नेचर F&B आउटलेट ऑफ हॉलिडे एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ IHG एज ए होटल चेन। यानी कि जैसे कि मैंने आपको कहा ही है कि वन स्टॉप प्लेस, वन अंडर वन अम्ब्रेला यू विल हैव एवरीथिंग। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपके लिए जाहिर सी बात है कि यंगस्टर्स से लेके फॉर ऑल एज ग्रुप यू हैव द फूड आउटलेट्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हो जाता है एनी हॉस्पिटैलिटी प्लेस का। और ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे से बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, बीट द हीट विद दिस पूल, एंड डेफिनेटली अगर खाने की बात हो रही है उसका तो हम जायका लेंगे हमारे अगले कार्यक्रम एस ऑफ किचन में। लेकिन हाँ, पंकज जी से हम लोग यही कहेंगे कि दैट्स अ वंडरफुल थिंग, एंड आप जैसे बता भी रहे हैं कि दिस इज़ वन प्रॉपर्टी जहाँ पे आप वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पे देख ही रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरा का सराउंडिंग देखा जाए बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच है। लोगों को अपील भी करता है डेस्टिनेशन वेडिंग में, इससे बेहतर और कोई जगह हॉलिडे इन जयपुर सिटी सेंटर से बेहतर मेरे हिसाब से, आई विल रिकमेंड फॉर यू गाइस कि इससे बेहतर कुछ नहीं है। वेल थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर बीइंग इन आवर शो। आप लेजेंड, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू। वेल थैंक्स अ लॉट, एंड ऑन दैट नोट आई मस्ट से दैट यस, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, ये शहर कुछ कहता हमें बहुत कुछ है बाकी। लेकर चलते हैं आपको एक और पड़ाव पर, जल महल भी है हमारे पास, हमारे पास हवा महल भी है, साथ ही साथ आमेर फोर्ट का भी एक छोटी सी झलक आपके लिए इंतजार कर रही है। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।